26 मई 2020 करंट अफेयर बाय अमित सर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं 26 मई 2020 की मोस्ट करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं? आईसीसी ने, उसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। उन्होंने कोरोना काल के चक्कर में जो क्रिकेट्स बंद थे उनको फिर से चालू करने का बोला है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? ये राजस्थान सरकार ने बस सेवा शुरू की है, उनके लिए शुरू की गई है जिन्होंने शौर्य चक्र प्राप्त किया है और जो राजस्थान के ही मूल निवासी हैं। ऐसे 770 सैनिकों को चिन्हित किया गया, उनके लिए निःशुल्क बस सेवा प्रदान की गई है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अमेरिका ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से किस देश के यात्रियों पर रोक लगा दी है? ब्राज़ील देश के यात्रियों पर रोक लगा दिया। इस टाइम ब्राज़ील में कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस देश की अदालत ने अनिल अंबानी को चीन के बैंकों को 21 दिन में 71.7 करोड़ डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया? ये ब्रिटेन देश की अदालत ने बोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सरकार ने सितंबर 2020 से पुनः हुनर हाट शुरू करने की घोषणा की है, ये किस मंत्रालय की पहल है? ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की पहल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है? ये मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? मिजोरम राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया, इससे नौकरियां भी प्राइवेट सेक्टर में आएंगी तो नौकरियां भी निकलेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसने भारत की जैव विविधता समरसा मानक कार्यक्रम शुरू किया है? प्रकाश जावड़ेकर ने शुरू किया है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश की टेनिस खिलाड़ी जेमी हेप्टन ने सेनानी वृत्ति की घोषणा की है, रिटायरमेंट जिसे बोलते हैं, इसकी घोषणा की है? अमेरिका ने की है। फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिएगा, अपने फ्रेंड्स वगैरह को जोड़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आर शनमुगम का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है, खिलाड़ी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस देश के खिलाड़ी जो कि फुटबॉल खिलाड़ी हैं ने संन्यास की घोषणा की है? ये है आर्टिस आदुरिस, स्पेन के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर FD योजना शुरू की है? HDFC बैंक ने शुरू की है। अच्छा, FDFC नाम आया है, HDFC की फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने री स्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? ये आंध्र प्रदेश सरकार ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तनसाई इंग बैंग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये ताइवान के राष्ट्रपति बनाए गए हैं हाल ही में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य सरकार ने शराब की MRP के ऊपर 50% स्पेशल कोविड फीस लगाने की घोषणा की है? ये ओडिशा गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला लिया है इससे कि देश का राजस्व बढ़ाया जा सके, इसलिए ऐसा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है? ये बिहार राज्य ने बोला है। बिहार राज्य में जो भी कोरोना वायरस के कारण जिसकी मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को 4 लाख रुपए बिहार सरकार की तरफ से मदद की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सरकार ने क्वाड्रीसाइकिल के लिए BS6 उत्सर्जन मापदंड अधिसूचित किए हैं। जिस कंपनी ने भारत में सबसे पहले व्यावसायिक रूप से क्वाड्रीसाइकिल लॉन्च की थी, किसने की थी? बजाज ऑटो ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय खेल SAI जिसका फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एथलीटों के खाते
खाते में जेब भत्ते के लिए कितने रुपए जमा किए हैं? ये 30,000 रुपये जेब भत्ते के रूप में जमा किए गए हर एथलीट के खाते में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एलजी पॉलीमर संयंत्र को जब्त करने का आदेश दिया है। एलजी पॉलीमर संयंत्र कहाँ है? विशाखापट्टनम में। अभी यहाँ पर एक केस हुआ था स्टारिन गैस की वजह से, वहाँ के लोगों और फैक्ट्री के कुछ लोग मारे गए थे इसी चक्कर में, स्टारिन गैस के चक्कर में। इसको अभी आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने सीज कर दिया गया है। यहाँ पर लेटेक्स बनाए जाते हैं, रबड़ के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। भारतीय वायुसेना IAF ने अपने नंबर 18 स्क्वाड्रन को चालू करने का फैसला किया है, जो कि चौथी पीढ़ी के LCA तेजस विमान से लैस होगा। ये कहाँ पर है? कोयम्बटूर में। ठीक है, कहाँ किया गया, कहाँ पर है? ठीक, कोयम्बटूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसे न्यूयॉर्क के आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, जो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा? सिद्धार्थ मुखर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मारुति सुजुकी ने बाय नाउ पे लेटर ऑफर लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया? ये चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी है। ठीक है ना, इसके साथ किया है। चलिए, आज के करंट अफेयर लगभग मोस्टली पूरे हो चुके हैं। ठीक है, और आई होप कि ये आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो, और एक बार फिर से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अब हम आपसे कल 27 करंट अफेयर को लेकर मिलेंगे। ओके, नमस्कार।